हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। आइए आज हम बात करते हैं अटेस्टेशन फॉर्म के बारे में। जैसा कि मेरे पिछले वीडियो में मैंने बात की है मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट्स थे, एम्बिग्विटीज थी, उसी तरह अटेस्टेशन फॉर्म को भी लेके बहुत सारे क्वेश्चंस लोग पूछ रहे हैं। मैम, पॉइंट नंबर 8 पे क्या डालना है या पॉइंट नंबर 9 पे स्पेसिफिकली क्या भरना है? तो मैंने सोचा कि एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाए अटेस्टेशन फॉर्म को भी लेके EMRS के अंडर, ताकि जो भी आपके डाउट्स हो, होपफुली मेरे इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। और जैसे टाइपिंग के बारे में भी मैं आपसे बात कर लूँगी अपने इस वीडियो में, ताकि अगर उससे रिलेटेड भी आपको कोई दिमाग में कोई किसी भी तरह की कोई एम्बिग्विटी है तो वो क्लियर हो जाएगी। आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को और अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहें, ताकि अगर किसी भी स्टेज पे आपको कोई डाउट लगे तो आप कमेंट करके उस चीज़ के बारे में हमसे इन्फॉर्मेशन फर्दर ले सकते हैं। एंड होपफुली मैं आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में ही क्लियर कर दूंगी। आइए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। सबसे पहले तो मैं अटेस्टेशन फॉर्म की बात करूंगी, EMRS के अंदर जो भरने के लिए कहा गया है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ। मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में तो मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है। अटेस्टेशन फॉर्म में सबसे पहले तो आपको कैपिटल लेटर्स में अपने नाम को भरना है, जो भी कैंडिडेट का नाम है आपको वो भरना है। सेकेंड में आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस भरना है। प्रेजेंट एड्रेस यानी जिसे हम एड्रेस ऑफ कोरस्पॉन्डेंस भी कहते हैं, जहाँ हम अभी रह रहे हैं, आपको वो पूरी तरह से उसका इंफॉर्मेशन देना है। जो लोकेलिटी है, जो डिस्ट्रिक्ट है, जहां जो स्टेट है, पिन कोड है उसका, आपको वो पूरी तरह से फुलफिल करना है। फिर थर्डली आपको अपना परमानेंट एड्रेस देना है। जैसे अभी बहुत लोग रह रहे हैं लखनऊ में, लेकिन ओरिजिनली अगर हो सकता है वो गोरखपुर से हो या कहीं और से हो, तो उन्हें जब परमानेंट एड्रेस मांगा जाए तो उन्हें गोरखपुर का एड्रेस देना होगा, जहां से वो ओरिजिनली हैं। लेकिन अगर उनसे एड्रेस ऑफ कोरस्पॉन्डेंस मांगा जा रहा है या प्रेजेंट एड्रेस की बात की जा रही है, तो क्योंकि अभी प्रेजेंटली वो लखनऊ में रह रहे हैं तो उन्हें वहाँ का एड्रेस देना होगा। तो प्रेजेंट एड्रेस में लखनऊ का, ये मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, तो प्रेजेंट एड्रेस में लखनऊ का एंड एड्रेस ऑफ कोरस्पॉन्डेंस में आप लखनऊ डालोगे, एंड प्रेजेंट एड्रेस या एड्रेस ऑफ कोरस्पॉन्डेंस दोनों सेम होता है तो आप उसमें लखनऊ डालोगे, एंड परमानेंट एड्रेस में आप गोरखपुर डालोगे। फर्दर आपको अपने आधार कार्ड का, पैन कार्ड का, जो हमारा परमानेंट अकाउंट नंबर होता है पैन कार्ड, उसके बारे में आपको अपना नंबर प्रोवाइड कर देना है। नेशनैलिटी आपको अपनी क्लियरली लिखनी है वहाँ पे। आपको अपना डेट ऑफ बर्थ भरना है, प्रेजेंट एज क्या है, एज ऑफ मैट्रिकुलेशन, जिस एज पे आपने अपना 10th दिया है तो उस समय आपकी एज क्या थी, एज एट मैट्रिकुलेशन पूछा जा रहा है, तो आपको वो स्पेसिफिकली लिखना होगा कि भाई इस एज में मैंने अपना 10th दिया है या मैंने अपना मैट्रिकुलेशन पास किया है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दूँ आप लोगों के सामने, कि देखो आप लोग जो भी इन्फॉर्मेशन भरो, वो इन्फॉर्मेशन आप लोग अपने 10th के मार्कशीट को या अपने 10th के जो एडमिट कार्ड में आपने डिटेल्स भरा होगा या 10th के मार्कशीट में जो डिटेल्स है उसको बेस बनाकर ही भरो, ताकि कहीं भी कोई कंफ्यूजन ना आए, कहीं भी कोई आगे फर्दर चल के आपको किसी भी तरह की असुविधा ना होए, कोई ऑब्स्टिकल नहीं आए आपके ज्वाइनिंग प्रोसेस में। इसलिए क्योंकि जो भी आपने 10th में भरा है उसी को बेस मानकर वो लोग एज कैलकुलेट करेंगे, वो लोग EMRS वाले एज कैलकुलेट करेंगे, EMRS वाले आपके नेम का स्पेलिंग देखेंगे, तो सब कुछ आप लोग 10th के अपने मार्कशीट को बेस बना के भर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से आपको अपने फादर, जैसे आपके पिताजी जो भी कैंडिडेट हैं, उनके पिताजी ओरिजिनली किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, किस स्टेट से हैं, आपको वो स्पेसिफिकली भरना होगा। आपको अपने रिलीजन के बारे में बताना है, अगर आप SC ST या OBC इन कैटेगरीज में से आते हैं तो आपको वो भरना होगा वहाँ पर। लास्ट 5 साल में आप 1 साल से ज़्यादा जिस भी जगह पर रहे हों आपको उसके बारे में लिखना है। 21 साल एज, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, जब ये 5 साल की बात की जा रही है तो ये इयर्स में बात की जा रही है, कि ये 5 साल, लास्ट 5 सालों में आप जहाँ पे भी 1 साल से ज़्यादा रहे हैं उसके डिटेल को आप भरिए। और जब हम 21 साल की बात कर रहे हैं तो वो 21 साल आपके एज की बात की जा रही है, कि और 21 साल अटेन करने पर, 21 ईयर्स ऑफ एज अटेन कर लेने पर, उसके बाद आप जहाँ जहाँ रहे हैं 1 साल से ज़्यादा, आप उसकी भी डिटेल्स को डालिए, ये उसकी बात की जा रही है, तो ये आप ध्यान में रखते हुए भरिएगा। फर्दर आपसे डिटेल मांगा जा रहा है, आपके फादर, आपके मदर, आपके स्पाउस, यानी हस्बैंड या वाइफ आप मैरिड हैं तो,
वो उसकी आपको डिटेल्स भरनी होगी वहाँ पे। फर्दर अगर आपके बच्चे हैं और अगर वो फॉरेन में रह रहे हैं, अब्रॉड में वो रह रहे हैं या फिर वो जॉब कर रहे हैं, तो आपको उसकी डिटेल भरनी होगी, आप वो डिटेल वहाँ पे भरो। इसके सिवा अगर 15 साल के बाद आपने जहाँ जहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे 15 साल के बाद आपने आपने स्कूलिंग कहीं और से की, आपने कॉलेज कहीं और से किया है, या आपने किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था जो कि कहीं और है, आपने अपनी स्कूलिंग गोरखपुर से ही कर ली है, और आपने अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज जब आपने ज्वाइन किया तो आप लखनऊ चले आए, तो 15 ईयर्स के बाद आप जहाँ जिन जिन प्लेसेस से आपने एजुकेशन प्राप्त की है अपनी, आपने अपनी शिक्षा प्राप्त की है, वहाँ वो किस जगह पे सिचुएटेड है, तो मतलब आपके स्कूल का नाम और वो स्कूल या यूनिवर्सिटी या कॉलेज जिस जगह पे सिचुएटेड है आपको वो भरना है 15 ईयर्स के बाद, 15 ईयर्स एंड उसके बाद। तो आपको 15 ईयर्स को बेस मान के भरना है कि जब मैं 15 साल की थी या 15 साल मैंने अटेंड कर लिए, उसके बाद मैंने कहाँ कहाँ अपनी स्कूलिंग की है, या उसके बाद मैंने कहाँ कहाँ से एजुकेशन लिया है, वो प्लेसेस स्कूल या यूनिवर्सिटी एंड वो जहाँ है, जिस जगह पे है वो स्कूल या यूनिवर्सिटी, उसके बारे में मैं लिखूँगी। इसके बाद आपको ये भी लिखना होगा कि अगर आप प्रेजेंटली किसी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कोसाई गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, किसी फर्म में, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, आप कहीं पर भी अगर काम कर रहे हो, अगर आप अभी कर रहे हो या आपने कर रखा है, तो आपको उसका डिटेल भी वहाँ पे भरना होगा। उसके बाद फर्दर आपके डिटेंशन जो कि होपफुली नहीं है, होगा नहीं ही होगा आप लोगों का, बट अगर किसी का है ऐसा, गॉड फॉरबिड, तो वो डिटेंशन या फिर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, कोई प्रोसिक्यूशन चल रहा है, कोई प्रोसिक्यूशन पेंडिंग है, आपको अगर कन्विक्ट किया गया है या कभी जेल में डाला गया है, तो उन सारी चीज़ों का भी सारा इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे डालना है। इसके बाद उसी में एक और चीज़ है कि अगर कभी किसी कहीं से आपको डिसक्वालीफाई किया गया है, या कहीं आपको डिबार किया गया है किसी इंस्टीट्यूट में, तो वो सब सब का भी डिसक्वालीफाई यानी आपको हटाया गया है ना, उन सब सारे चीज़ों का भी आपको इन्फॉर्मेशन उसमें डालना है। इसके साथ साथ आपको जो डिक्लेरेशन लास्ट में अटैच किया गया है, अटेस्टेशन फॉर्म है, डिक्लेरेशन है, फिर मेडिकल सर्टिफिकेट है, तो ये जो डिक्लेरेशन है उसमें बस ये क्लियरली स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया गया है कि भाई जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन सच्ची है, और कहीं भी कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन आप नहीं दे रहे हो, कहीं भी कोई फॉल्स पॉइंट ऐसा आप अपने फॉर्म में नहीं डाल रहे हो अटेस्टेशन फॉर्म में, और अगर आप ऐसा कोई फॉल्स पॉइंट डाल रहे हो तो भाई किसी भी स्टेज पे आपके फॉर्म को कैंसिल किया जा सकता है, आपको डिबार किया जा सकता है, आपको हटाया जा सकता है, आपके हिसाब से टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज जो भी आप डाल रहे हो वो टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज है, वो बिल्कुल सही सही है, और आप फॉर्म बिल्कुल बिल्कुल सावधानी से भरे, बिल्कुल कॉन्शियस होके भरे, ताकि कहीं पे भी अनजाने में भी आपसे कोई गलती ना होने सके जो कि आगे चल के जिसके कारण आपको प्रॉब्लम हुए, तो आप अपने फॉर्म को बहुत अच्छे तरह से भरे। अटेस्टेशन फॉर्म और डिक्लेरेशन के साथ साथ अब मैं जेएसए टाइपिंग के बारे में भी आपको एक पॉइंट बताना चाहती हूँ। देखिए जेएसए टाइपिंग भी, जैसे अटेस्टेशन फॉर्म आ गया है, यहाँ पे ज्वाइनिंग की स्पीड आप देख रहे हो कि भले मैंने पहले भी बोला था कि स्लो है पर स्टेडी है, सब कुछ चल रहा है, वैसे ही जेएसए टाइपिंग के लिए भी लोग हमसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इस पर मैं उन्हें क्लियर कर दूँ कि इलेक्शन के कारण जेएसए टाइपिंग का भी जो प्रोसेस है, जो मतलब जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, वो स्लो ज़रूर हुआ है, पर इलेक्शन के कारण वो कहीं से भी रुकेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जा रहा है और इलेक्शन बिल्कुल सर पे है, स्टार्ट होने वाला है अप्रैल में, तो भाई अब रोक दिया जाएगा जेएसए टाइपिंग को स्पेसिफिकली, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पे प्रोसेस हर एक डिवीजन का आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे करके, वैसे ही जेएसए टाइपिंग के लिए भी ज़रूर होगा, और अप्रैल में मोस्ट प्रॉब्ली हम उम्मीद कर सकते हैं कि जेएसए टाइपिंग के लिए भी नोटिस निकल जाएगी, तो ये भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। इसलिए जेएसए टाइपिंग को भी आप इलेक्शन से ना जोड़े, कहीं से भी इलेक्शन के प्रोसेस के कारण जेएसए टाइपिंग पे कोई असर नहीं आएगा, जेएसए टाइपिंग को नहीं रोका जाएगा।
आई होप कि मैंने अटेस्टेशन फॉर्म, डिक्लेरेशन और JSA टाइपिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आप हमसे पूछते हैं उनका मैंने सही सही जवाब दिया है और आपके डाउट्स को मैं पूरी तरह से ख़त्म कर पाई हूँ. फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ स्टे ट्यून टू ज्ञानालय एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू.